मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवीनिया न्यूज। आज हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ सेमिनार हो रहा है, तो आइए सर जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है और ये सेमिनार के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए। जी सर, ये सेमिनार से क्या इंडस्ट्री को क्या लाभ होगा और ऐसे सेमिनार हर बेसिस पे होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे? जी, ये सारे लेबर क्लास को इकट्ठा करके चार कोड बना दिए गए हैं। चार कोड के बारे में जानकारी दी जा रही है, यही चार कोड फ्यूचर में लागू होने वाले हैं। इन कोड के बारे में इंडस्ट्री और एम्प्लायर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं कोड्स के आधार पर सारे लेबर लॉज का जो है पालन किया जाएगा, सारा लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इसी से होगा। तो ये बहुत ही उपयोगी जानकारी यहाँ दी जा रही है, और पॉस एक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है, फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो कि इंडस्ट्री के लिए, एम्प्लायर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए बहुत ही उपयोगी है सेमिनार। सर, जैसे कि ये न्यू लेबर कोड आ रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये न्यू लेबर कोड्स के बारे में इतना बताना है कि इतनी बहुत सारे एक्ट में, जो करीब 29-30 एक्ट थे, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज अलग अलग थी, अलग अलग रजिस्टर थे, अलग अलग डिफिनीशन थी, वो एक हो जाएगा, एक रूपता आएगी और लोग ज़्यादा इफिशेंसी से काम कर पाएंगे, श्रमिकों को भी ज़्यादा लाभ मिलेगा और संयोजकों को बहुत सारी औपचारिकताओं से मुक्ति मिल जाएगी और अच्छी तरह वो काम कर पाएंगे। सर, जैसे कि अभी नोएडा में एक इंडस्ट्री में आग लग गई थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जलकर राख हो गई, हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम उस चीज़ को बुझा पाएं, वो आग 8 घंटे बाद बुझी थी, तो उस बेसिस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कंपनियों को किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या क्या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ या कंपनी को बचाया जा सके? इस फैक्ट्री एक्ट 1948 का है, उसको दूसरे ओएसएस कोड में ला रहे हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं कि आग से बचाव के उपाय कैसे होंगे, ये सारी व्यवस्था उसमें दी गई है, उसका पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक प्रिवेंशन हो जाएगा। हालांकि ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ प्रयास करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि दरवाज़ा बाहर की तरफ खोलने वाला हो ताकि लोग भाग सकें। जब भी आप फैक्ट्री बंद करते हैं तो मेन स्विच से ऑफ कर दें, उसके तार अलग कर दें ताकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ना होने पाए, जो ज्वलनशील चीज़ें हैं उनको एक जगह अलग रखें। ये सारी सुरक्षा उपाय हैं जो हम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम बचाव कर सकते हैं। सर, ये जो लीगल आईपीएल या सत्येंद्र सर के द्वारा ये किया जा रहा है प्रोग्राम आयोजित, इससे आप क्या समझते हैं? ये चारों कोर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को बता रहे हैं, उनके सुरक्षा के उपाय बता रहे हैं, उनके कोई खतरा ना हो इसके लिए बता रहे हैं, लेबर लॉ का पालन हो, श्रमिकों को लाभ मिले और श्रमिकों को उनका हक मिले और उनको अनावश्यक लीगल लिटिगेशन में इम्प्लायर्स ना फंसें, अनावश्यक रूप से उनको कोई शोषण ना कर सके, इसलिए ये जानकारी दी जा रही है। बहुत ही उपयोगी जानकारी है, हर इम्प्लायर को, हर इंडस्ट्री को जानकारी होना चाहिए। तो आपने सुना वेबिनार की क्या कुछ जानकारी दी गई, तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू मीडिया न्यूज़। नमस्कार।